ठाकुर जी उनसे बाजी मार रहे हैं, तो मैडम ने आज फिर से कमान संभाल ली है और मैदान में कूद पड़ी है। लेकिन कुछ बातें जो उन्होंने कही हैं, जो सदन में कही जा रही हैं, सदन के बाहर कही जा रही हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेना और उसके बारे में बोल लेना जरूरी है। और उसमें से पहली बात यह है कि राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या कहा है जिससे बीजेपी इतनी विचलित है, क्योंकि हमारा अपना मानना है कि ये जो सारा तांडव अंदर मचाया जा रहा है, आप सोच सकते हैं कि सत्ता पक्ष खड़ा होके खुद सदन की कार्यवाही नहीं होने दे रहा है, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि अडानी को बचाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। अडानी पर चर्चा ना हो, अडानी पर आक्षेप ना लगे, अडानी की काली कारतूतों पर बातें ना हो, उस पर एक शब्द ना बोलना पड़े सदन में, इसलिए सदन की कार्यवाही रोकने का काम आज सत्ता पक्ष के मंत्री, सदन के नेता खुद खड़े होकर कर रहे हैं। नारेबाजी अब सत्ता पक्ष कर रहा है सदन में कि सदन ना चल पाए, और ये लोकतंत्र को क्षीण करना होता है। राहुल गांधी जी ने जो कहा कि एक विश्व है, वो अमेरिका और चीन दो दिशाओं में खींच रहे हैं, भारत का लोकतंत्र विश्व के लिए सौगात है और हमारा लोकतंत्र डिसाइड करेगा वैश्विक लोकतंत्र की दिशा और दशा क्या होगी, इससे बड़ा लोकतंत्र का प्रहरी और दूसरा कौन हो सकता है, और वो भी विदेशी जमीन पर जाकर ये कहना। आपको बड़ी दिक्कत है विदेशी जमीन पर जाकर उन्होंने कहा, सुनिए वो सारे वक्तव्य जो मोदी जी ने विदेशी धरती पर, चाहे वो चीन हो, चाहे वो मॉस्को हो, चाहे वो यूके हो, जर्मनी हो, यूएस हो, साउथ कोरिया हो, ऐसी कौन सी भूमि है जहां पर उन्होंने जाकर देश का सिर नीचा करने का काम नहीं किया। जब आप चीन में जाकर ये कहते हैं कि हमने क्या पाप किया था, हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए, ऐसे लोग सोचते हैं, आपको लगता है देश का सिर और देश का मान बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं। और अब वापस मैं आना चाहती हूँ स्मृति ईरानी के वक्तव्य पे, और उस वक्तव्य पे आना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है राहुल गांधी जी ने क्या कहा, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आज सरकार जो सदन में कर रही है वो इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र क्षीण हो रहा है। आप चुने हुए सांसद का एक वक्तव्य है, उसमें से 18 चीजें एक्सपंज कर देते हैं क्योंकि मोदी और अडानी का नाम साथ में, ये लोकतंत्र को कमजोर करना नहीं है। आप प्रतिपक्ष के नेता कांग्रेस के अध्यक्ष के बयान से नजर नहीं नजारों की बात करते हैं कि शेर को और तमामों चीजों को एक्सपंज कर देते हैं, ये लोकतंत्र का क्षीण होना नहीं है। अगर एक बेबाक पत्रकार सवाल पूछता है उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालत पर, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ऐसे तमाम उदाहरण है, ये लोकतंत्र का क्षीण होना नहीं है। चुनी हुई सरकारों को पैसे के बल पर, एजेंसियों के डर पे गिराना, ये लोकतंत्र को कमजोर नहीं करता है। आगे मैं बताती हूँ, लोकतंत्र को कमजोर करने के इतने उदाहरण हैं कि ये लोग कहीं मुंह छिपाए नहीं छिपेंगे। लेकिन स्मृति ईरानी जी क्योंकि ट्रोल मंत्रालय को संभालती थी, उनके ट्रोल मंत्रालय पे खतरा था, उनको लगा कमान हाथ से चली जाएगी, वापस मैदान में कूद पड़ी है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, स्मृति जी 2019 चुनाव के वक्त आपने कहा था 13 रुपए किलो पे शक्कर मिलेगी, लोकतंत्र को भूल जाइए दो मिनट, आइए चूल्हे चौके की बात कर लेते हैं। 13 रुपए की शक्कर देने का वादा किया था, 45 पर शक्कर मिल रही है। 400 रुपए के सिलेंडर पर बड़ा प्रदर्शन करती थी आप, आज वो सिलेंडर 1200 पर है। महिला सशक्तिकरण की बात करती थी, आप ही के एमएलए का लड़का एक लड़की का यौन शोषण करता है और उसकी हत्या कर देता है उत्तराखंड में, लीपापोती आपकी सरकार करती, आप चुप रहती हैं। आपका विधायक दोषी पाया जाता है रेप का, आप चुप रहती हैं। आपके नेताओं के ऊपर यौन शोषण के आरोप रखते हैं, आप चुप रहती हैं। तो ये सिलेक्टिव आउटरेज जो स्मृति ईरानी का है वो सर्वथा गलत है। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूँ, उन्होंने एक शब्द बोला टुकड़े टुकड़े गैंग, इस देश का पहला टुकड़ा टुकड़ा गैंग तो सावरकर जी थे और उन्हीं के लोग आज उसको लेकर चल रहे हैं। इस देश के दो टुकड़े कराकर जिन्ना के साथ मिलकर सावरकर का काम था और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा। और यह सच है कि नरेंद्र मोदी जी आज भी वही काम कर रहे हैं, इस देश को भाषा के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, अगड़े को पिछड़े से लड़ाना, अगड़े को दलित से लड़ाना, हिंदू मुसलमान को लड़ाना। आपने तो मिजोरम और असम में गोलियां चलवाई हुई हैं, आपने कर्नाटक और महाराष्ट्र को भिड़ाया हुआ है। अगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं तो असली टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य और सरगना तो खुद रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट और प्रधानमंत्री मोदी उसके लीडर है। मेरा अपना मानना है कि भारत के लोकतंत्र को बचाना हम सबका कर्तव्य है, मीडिया का कर्तव्य है,
और भारत के लोकतंत्र की जिस तरह से धज्जियां सदन में और सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, वो अपने आप में प्रमाण है कि किस तरह से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है।